कुक एट होम में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं राजमा, जो कि सभी के मनपसंद होते हैं। इसके लिए हमने राजमा लिए हैं। ये एक कटोरी राजमा तकरीबन 250 ग्राम है और इसको अच्छी तरह धोएं। राजमा को अच्छी तरह देखकर और इसे धोकर अब हमने भिगो दिया है। कुछ घंटे इसे भीगे रहने देंगे। जो राजमा भिगोए थे उसे हम अब कुकर में डालकर बॉईल करेंगे। बॉईल करते हुए इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे। मसाला बनाने के लिए हमने लिए हैं 3 प्याज। ये 2 प्याज बड़े और 2 छोटे हैं, लगभग 3 प्याज हैं। और 4 टमाटर, 2 हरी मिर्च, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अब इसे हम काटेंगे। प्याज को हमने रफली चॉप कर लिया है और टमाटर को भी रफली चॉप कर लिया है। 2 हरी मिर्च ली हैं, अदरक लहसुन भी रफली चॉप कर लिया है। अब हमने तेल गरम कर लिया है और इसमें हम जो है प्याज अदरक लहसुन भूनेंगे। अब हम डालेंगे प्याज। प्याज को भी गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये देखिए प्याज जो हैं वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे और ठंडा करके पीसेंगे। इसी कढ़ाई में हम डालेंगे टमाटर। ये देखिए अब हम टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट होने तक इसे भूनेंगे और उसके बाद ठंडा करके पीसेंगे। ये देखिए कुकर हमने खोल दिया है। अब देखेंगे कि राजमा जो हैं वो गल चुके हैं या नहीं। तो इसको राजमा को एक प्रेस करके ऐसे दबा कर देख लीजिए। देखिए ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास गल चुके हैं। इसको हमने 20 मिनट स्टीम दी थी। 15 से 20 मिनट आप स्टीम दे सकते हैं। और प्याज और टमाटर भी हमने पीस लिए हैं। अब हम इसका बनाते हैं मसाला। तो तेल गरम किया है, कढ़ाई को मैंने साफ़ कर लिया था। अब आप चाहें तो दूसरी कढ़ाई भी ले सकते हैं। तो इसमें अब हम डाल रहे हैं जीरा, तेज़पत्ता, 1 मोटी बड़ी इलायची और 3 लौंग। अब इसमें डालेंगे प्याज पिसे हुए और इसको भूनेंगे। 2-3 मिनट ये प्याज भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हल्दी 1/2 टीस्पून, रेड चिल्ली 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, नमक स्वादानुसार, क्योंकि नमक हमने पहले बॉईल करते हुए भी डाला था, तो अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। इसे मिक्स करें। अब इसमें हम डालेंगे टमाटो की ग्रेवी और इसे मिक्स करेंगे। कुछ देर इसे पकने देंगे। 3-4 मिनट में ये देखिए मसाला भून चुका है और ये बिल्कुल कढ़ाई से अलग हो रहा है और इसमें से खुशबू आने लग गई है। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे राजमा में। ये देखिए कुकर में मैंने राजमा में मसाला मिक्स कर दिया है। अब ग्रेवी की थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग देखें, आपको कितनी थिकनेस चाहिए। तो आप पानी डालकर इसकी थिकनेस सेट कर लें और कढ़ाई में भी थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसी में ग्रेवी में मिक्स कर दिया था। अब हम इसको ढक्कन लगाकर 1 विसल तक दोबारा कुक करेंगे। देखिए राजमा जो है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। इसे जो है आप सर्व करें चावल और रोटी के साथ, टिफ़िन में भी लेकर जा सकते हैं। और चैनल को
सब्सक्राइब करें और इस रेसिपी को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।